मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना पुलिस ने एसएसजी के सहयोग से आज एक ऐसे गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन की सप्लाई युवाओं को देने का काम कर रहे थे। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन के खेप भी बरामद की है। मुरादाबाद जनपद में जोर शोर से चल रहे नशे के कारोबार पर आज थाना सिविल लाइन पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में सरफराज, वसीम और नितेश नाम के इन युवकों पर आरोप है कि ये लोग मेरठ से लाकर नशीले इंजेक्शनों की सप्लाई मुरादाबाद के युवाओं को देते थे। मुरादाबाद एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इनके पास से 8,000 से भी ज़्यादा वो नशे के इंजेक्शन बरामद हुए हैं जो MBBS डॉक्टर की सलाह पर ही किसी को दिए जा सकते हैं। सिविल लाइन्स पुलिस को आज एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई और 3 अभियुक्त इनके द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं जिनके कब्जे से बहुत बड़ी संख्या में जो नशीले इंजेक्शन जिसको कि लोग नशा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जो NDPS के तहत कवर होते हैं वो लगभग 8,000 से अधिक इंजेक्शन बरामद हुए हैं। ये इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सरफराज, उसने और उसका एक साथी है नितेश, इन लोगों ने पूछताछ में ये बताया कि एक अन्य व्यक्ति है जिसका नाम विक्की है जो किसी MR का काम करता है, उसके माध्यम से ये इंजेक्शन मेरठ से यहाँ लाए जाते थे और इनकी मॉडस अप्रेंडिस प्रकार की थी कि वहाँ से एक रोडवेज बस में ये लोग इसको रखवा दिया करते थे और यहाँ पर उसका मैसेज कर देते थे, यहाँ दूसरा कोई व्यक्ति इसको उतार लेता था। उसके बाद यहाँ स्थानीय कई मेडिकल स्टोर्स और अन्य जो वेंडर टाइप के लोग होते हैं जो कई जगह बस्तियों में घूम घूम के बेचते हैं, उनके माध्यम से इनको बिकवाया जाता था और इसमें लाभ अर्जित किया जाता था। ये लगभग जो बरामदगी है बाज़ार मूल्य इसका लगभग 18 लाख के आसपास है, तो एक बड़ी सफलता है और इस दिशा में जो नशीले मादक पदार्थ उनकी बिक्री और तस्करी उस पर ये एक गंभीर प्रहार कोतवाली थाना क्षेत्र का है, खालसा मोहल्ला है, वहाँ का रहने वाला है। नशे के कारोबारियों को सप्लाई करते थे ये? जी जी, जैसा बताया मैंने अभी कि अलग अलग मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से और कुछ वेंडर्स के माध्यम से इसकी बिक्री स्थानीय बस्तियों की। सर कहीं अन्य जिलों से करता था या नहीं? अभी हम लोग और गहराई से पूछताछ कर रहे हैं और इस ग्रुप में अभी और भी कुछ लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं जिनके विषय में गहराई से जानकारी करके और इस पूरे नेटवर्क में कौन लाता है, कौन इसका कैरियर है, कौन इसकी सेल करता है, इन सभी चीज़ों की गहराई से छानबीन की जाए। सर क्या कुछ मेडिकलों के नाम भी सामने आए हैं? जी हाँ, कुछ के आए हैं, अभी उनकी पुष्टि की जा रही है और जल्दी अगर उसकी पुष्टि होगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।